आशीष, अच्छे से बात करते हो। थैंक यू सो मच। आप सब मेरे फ्रेंड्स हो इसलिए आपसे अच्छे से ही बात करेंगे। मेरा फेवरेट कलर पर्पल है, नम्रता बोल रही है। अच्छा जी, BTS आर्मी पर्पल पर्पल हार्ट भी दिया है। उनसे बात बात बातें तो नहीं करता मगर उनकी बातें लाजवाब करता हूँ। पेशे से शायर हूँ जनाब, अल्फाजों से दिल का इलाज करता हूँ। वाह, खूबसूरत है जिंदगी एक ख्वाब की तरह, जाने का टूट जाए किसी का कांच की तरह, मुझे ना भूलना किसी बात की तरह, अपने दिल में रखना किसी खूबसूरत याद। थैंक यू, बहुत अच्छा है, बढ़िया। दो शायर आए हुए हैं आज मेरी लाइव में, इंटरेस्टिंग बना रहे हैं लाइव को, अच्छा लग रहा है। अच्छी अच्छी लिखना, खराब लिखोगे तो फिर हटाना पड़ेगा। BTS वर्ल्ड, हेलो, आप पहले भी आए थे। हेलो, कैसे हो? BTS आर्मी, BTS आर्मी है बेबी। अच्छा जी, मैं सही में BTS आर्मी हूँ। अच्छा, आई ड्रॉप ले लेना। मैं अच्छी हूँ दी, आप कैसे हो? BTS वर्ल्ड, मैं भी अच्छी हूँ, आप बताओ कैसे हो? आप भी बताओ अपना फेवरेट कलर कौन सा है, आपका फेवरेट कलर। यहाँ फेवरेट कलर पूछ रहे हैं आपस में। दिल में हलचल तुम्हारे, दिल में हलचल तुम्हारी सिरकत से हुई, बेख्याली की सुबह उस रोज हमारी फिक्र से हुई। दिल लगाकर किस किया था प्यार मैंने तुमसे, दिमाग लगाकर 12वीं बड़ी मुश्किल से। बढ़िया बढ़िया। होने थे जितने खेल मुकद्दर के, हो गए हम टूटी नाव समंदर के, हो गए कि खुशबू हमारे हाथ को चू कर गुजर गई, और हम फूल सबको बांट कर पत्थर के हो गए। वाह, मेरा फेवरेट कलर वाइट है। अच्छा जी, वाइट है आपका, वाइट भी बहुत अच्छा लगता है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? मेरा ब्लैक और ब्लू है, ब्लैक एंड ब्लू। BTS आर्मी बोल रही है। आशीष दी, हम अच्छे लोग नहीं आपसे, अच्छे लोग हैं आपसे बुरा नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है। आपके चेहरे पर तेज है इसलिए शायर शायरी लिख रहे हैं। आपके चेहरे पे तेज है इसलिए शायर शायरी लिख रहे हैं। अच्छा है, बाकी सब भी पढ़ रहे होंगे, हंस रहे होंगे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छा था। ये वाला भी पढ़ के सुना देती हूँ आप लोगों को। दिखता नहीं वो शख्स जो अपनी शर्तों पर जीना चाहता था, एक ख्वाब मिला जमीन पर तुम्हारा है क्या, जिसने छोड़ा था ये कहकर मिल जाएंगे तुझसे है हाजिर। वो लड़की अपनी सहेली से पूछा करती थी, वो